अभी का न्यूज इंडिया में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नेता आपस में एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा को लेकर नई दिल्ली में बुधवार को हरियाणा कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। बैठक में वॉकआउट और धमकी से नाराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि अगर सब कुछ खत्म करना है तो मुझे गोली मार दो। खबर है कि तंवर के इस बयान के बाद बिना किसी नतीजे के ही बैठक खत्म कर दी गई। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि जब सभी 10 लोकसभा सीटों पर हार के लिए तंवर को जिम्मेदार ठहराया गया तो वो काफी नाराज हो गए। गौरतलब है कि इस बैठक को गुलाम नबी आजाद ने बुलाया था और इस समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार के साथ ही अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की जानी थी, परंतु बैठक की शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव में मिली हार पर चर्चा शुरू हो गई और नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। उसके बाद हालात बेकाबू हो गए। खबर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों ने तंवर पर निशाना साधना शुरू किया था और हालात बिगड़ते देख गुलाम नबी आजाद ने तो वॉकआउट तक कर दिया था। बता दें कि बैठक की शुरुआत करते ही गुलाम नबी आजाद ने घोषणा की कि संगठन में ऊपर से नीचे तक कई तरह के बदलाव किए जाने हैं, परंतु हाल बेकाबू होने की वजह से बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़ रही है न्यूज़ इंडिया के साथ।